अस्सलाम वालेकुम जी, ईद का पहला दिन ढेर सारा मुबारक हो, सबको ढेर ढेर सारी ईद मुबारक। जनाब मैं सुबह से नॉन स्टॉप काम कर रही हूँ, इंस्टाग्राम पे हाइपर एक्टिव रील बना के अपलोड किया है, ठीक है। सुबह सुबह मेकअप किया है, वीडियो एडिट करके मेन चैनल पर लगाया है आई मेकअप का। अभी मेरी कमर इतनी शदीद टूट रही है ना, और बच्चा जनाब मेरे सारे लेट कर देख रहे हैं एलसीडी कार्टून, तो मैं इनके साथ आके अंदर कमर सीधी कर रही हूँ। ओ फल्ला, मेरी थकावट से बुरा हाल हो गया, सालन मैंने ऊपर रख दिया, कलेजी बन रही है। और मैं कह रही हूँ कि बाहर जाके ना मज़े की पिक्स खींच आते हैं, आपको अपना ड्रेस दिखाती हूँ। अरे उठ जा जैनब, यार मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना, ठीक है। मेकअप मेरा अच्छा लग रहा है, दुपट्टा पकड़ लूँ। वही लक टूटा हुआ, लक टूट जाए लेकिन मेकअप ने होना चाहिए। आए जी चलते हैं बाहर। अच्छा जी, मैं जैनब नुमान हूँ, ठीक है। मैं ना सेल्फ टॉट मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मेरा होम बेस्ड मेकअप स्टूडियो है, ठीक है। अगर आप लोग इतना प्रिटी मेकअप करवाना चाहते हो अपने शादी पर, फंक्शन पे, ठीक है, बारात, वलीमा, ब्राइडल, तो आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक बिज़नेस नंबर दिया हुआ है, मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लेना, ठीक है। मैं मेकअप आर्टिस्ट होने के साथ साथ एक यूट्यूबर भी हूँ, मैंने मेकअप जो है यूट्यूब से ही सीखा है, और अल्लाह का शुक्र है मैं अपना होम बेस्ड मेकअप स्टूडियो भी रन करती हूँ, और यूट्यूब पर वीडियोस भी बनाती हूँ, और साथ में व्लॉग्स आपके साथ शेयर करती रहती हूँ अपनी डेली लाइफ में मेरे क्या चल रहा होता है, आपको ड्रेस दिखाती हूँ। ओके जी, ये है मेरा ड्रेस, दुपट्टा मैंने इस तरफ रखना था क्योंकि स्टोलर मैंने इसका इस तरह पेयर अप किया। ये है मेरा जनाब ईद का ड्रेस, कैसा लग रहा है। और ये जूता जो है उनजे का है, ठीक है, ये मैंने पैकेजेस से लिया था उनजे से, इसके साथ ये जूता अच्छा लग रहा है। और जूता मेरा पुराना है, ड्रेस मेरा नया है इस दफ़ा। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको ड्रेस कैसा लग रहा है, इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो कर लेना, ठीक है। मैंने कल वाली वीडियो पे ना सारा ड्रेस की डिटेल्स बताई है, मैंने ड्रेस कहाँ से ऑर्डर किया था। प्रिटी लग रहा है, प्रिटी बहुत ज़्यादा इस पर हसीन तरीन काम हुआ है। मैं बैठ जाती हूँ, मैं खड़ी खड़ी थक रही हूँ, पीछे फ़ान ने अपने सारे खिलौने जो है ना गिराए हुए हैं, उनका मैं कुछ नहीं कर सकती। हेलो। और बाहर ना कुर्बानी हो रही है, ऑलमोस्ट हो गई है, कलेजी मैंने पकने रख दी है, और मेरे हस्बैंड जो है वो बाहर उनके साथ बंदों के साथ गोश्त ही बना रहे हैं, और बेल पे बेल हुई जा रही है, पता नहीं कौन, शायद हेल्पर आई हो, मैंने उसको कॉल की थी कि आ जाओ, बकरे का बहुत ज़्यादा गंद है पीछे। आपने ये मेकअप ट्यूटोरियल देखना हो तो जैनब नुमान चैनल पर मैंने मेकअप ट्यूटोरियल भी अपलोड कर दिया, वो ज़रूर चेकआउट कर लेना, कितना प्रिटी हुआ, अच्छा लग रहा है इस ड्रेस के साथ, है ना, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय टुडेज व्लॉग, मैं हूँ जैनब नुमान, आप लोगों की मेकअप आई मेकअप क्वीन, आई मेकअप टीचर, क्वीन अपने पास से बोल रही हूँ, ज़्यादा हो रहा है अपने मुँह में, मिठू यस बेबी है। तो मैंने बहुत ही ज़्यादा दिनों बाद ये बहुत ही हसीन काशीज आई मेकअप लुक क्रिएट किया है अपने ईद के फर्स्ट डे के लिए। पता है बड़ी ईद पर काम बहुत ज़्यादा होता है, कुर्बानी का और ये और वो, और तैयारी का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, तो आपकी जैनब बाजी बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। मैंने एक दिन पहले ही अपना ईद का ड्रेस भी पहन लिया, पूरा लुक क्रिएट कर लिया मेकअप शेकअप का, ताकि मेरा ट्यूटोरियल हो जाएगा, यूट्यूब का काम हो जाएगा, और ईद वाले दिन हम घर के काम कर लेंगे आराम से, ठीक है। तो ये व्लॉग तो आप लोगों को आज मिल रहा है, मेरी तरफ से ढेर ढेर सारी ईद मुबारक है। मैंने सुबह से शाम तक सारा व्लॉग आपके साथ शेयर किया कि मैंने पूरा दिन क्या किया है, पूरा दिन घर के काम करने के बाद मैंने ये लुक भी क्रिएट किया बैठकर इतनी मुश्किल से, मैं बहुत ज्यादा फेड अप और थक गई हूँ, लेकिन नहीं, काम पहले है। और आप लोगों को मेरे आई मेकअप लुक्स बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, और इनके ट्यूटोरियल्स आप लोग मांगते रहते हो, बहुत ज्यादा गैप हो गया, मैं नहीं बना पाती क्योंकि बहुत ज्यादा इन पर मेहनत लगती है, बैठना पड़ता है आराम से, और आपको पता है जो मेरे टिड्डू अफान है वो लेटा हुआ है अभी भी, और दो अंदर से पूत हैं, तो अब बच्चों के बाद घर के बाद इतना हैवी वाला काम ना थोड़ा सा हो नहीं पाता मैनेज, लेकिन इंशाल्लाह मैं करूंगी क्योंकि मेरा खुद का ये फर्स्ट लव है। इसका ट्यूटोरियल मैंने जैनब नुमान पर डाला है, ठीक है, और ये जो ईद का ड्रेस है, ये मेहंदी, ये सब जैनब नुमान ऑफिशियल पे, ठीक है, जो मेरा मेन चैनल है उस पर मेकअप से रिलेटेड सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी, और जो ऑफिशियल जो दूसरा सेकंड बेबी जो जैनब नुमान ऑफिशियल मैंने बनाया था जिसमें मेरे 2000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच। लेकिन मेरे व्यूज अभी तक बहुत ज्यादा कम है, मैं हर वक्त ये सोचती रहती हूँ यार मैं किसी का शाउट आउट ले लूँ, मैं क्या करूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मुझे आप लोग सपोर्ट करो, मेरे काम की वजह से आप लोग मुझे प्यार करो, मेरे व्यूज़ ठीक हो जाए, मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहो, और आप लोगों के प्यार का, कमेंट्स का बहुत ढेर ढेर सारा शुक्रिया। मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि मैंने मास्क उतारना है, मेरे स्वेटर स्वेटी काम हो रहे हैं। मेकअप ट्यूटोरियल जरूर देख लेना है, सारे ड्रेस की डिटेल सारा कुछ इंस्टाग्राम पर फॉलो करने जरूर आ देना। अब जाके पूरा पहले सारे दिन का व्लॉग देखो, ठीक है। ईद से एक दिन पहले और मेरी बंदे से शदीद वाली लड़ाई है, लेकिन चुप करके घर के कामों की वजह से सिर्फ बोल रही हूँ। ये बॉक्सेस, अच्छा जी, इस दफ़ा ईद पे ये इन बॉक्सेस में गोश्त जाएगा। ये क्यों ले आए इतने ज़्यादा शॉपरों में, नहीं जो गोश्त शॉपर में देने का मज़ा है ना, वो इन डब्बों में देने का मज़ा नहीं है। मेरे पास घर में भी इस तरह के यहाँ डब्बे हैं, वो भी निकाल लो सारे, माना सीरियस।
यार शॉपरों में मजा आता है, बड़ा शॉपर छोटा शॉपर जब आ जाए ना तलुकात में फर्क, तो फिर शॉपरों में भी फर्क आ जाता है। माने शर्ट तो पहन लिया करो, कभी कपड़े भी निकाल के दिखाएं। लसन इधर नसर अदरक में निकाल के रखे, मेरा टिड्डू सोया हुआ उसमें, उस सारी रात से वो बंद है तो खराब हो जाएंगे ना। ये बंदा मेरा इतना काम नहीं कर सकता यार, मैंने इनसे कहा था मुझे लहसुन अदरक ला दें, मैं वो छिलवा के पिसवा के पीस के रख लूँ, और ये शॉपर के अंदर रात के बंद पड़े हुए हैं। कपड़े दिखाएं बच्चों के, गोश्त के लिए डब्बे पहले ले आए हैं। माना मुझे ईद के लिए बच्चों के लिए शलवारें कमीज़ें प्यारे प्यारे, ये सिंग एक एक शर्ट ले आए हो आप। निकर सूट है दिखाएं, आपके स्टिच हुए हैं, लाइन निकाल के दिखाएं मुझे। और ये क्या निकाल के दिखाएं, शाबाश। ये इम्पोर्टेड नहीं है, आपने स्टिच कराए होने, लोकल नहीं है तो आप, मैंने सही बताया ना, इम्पोर्टेड है आपकी, आपने नहीं सी है? अच्छा इम्पोर्टेड है। तीनों के सेम ऐसी हैं, प्यारी लग रही हैं, ये प्यारे लगेंगे इनको पहने हुए। इनको मैं ये पहना के ना हम जाएंगे सोजो वाटर पार्क। एक का ब्लू है, साइजेस टिड्डे का कौन सा, मुझे लग रहा है टिड्डे का ऑरेंज है। सिनान का ब्लू है और अबान का, दोनों बड़ों का ब्लू है, प्यारे लग रहे हैं, कितनी क्यूट लग रही है। ये टिड्डे को पहनी है, बहुत प्यारी लगेगी। चलें अगले दिखाएं, ये शर्ट्स दिखाएं, और वो शलवारें कमीज़ें किधर हैं? आपको पता है बच्चों ने ईद वाले दिन शलवारें कमीज़ें पहननी है। ये क्या है, ये कितनी प्यारी शर्ट्स हैं, दिखाएं ज़रा मान मान, ये निकालना प्लीज़। ये कितनी क्यूट लग रही हैं, इनके लिए टी शर्ट लानी पड़ेगी, नई टी शर्ट कोई भी नहीं है, सब यूज़ कर लिया उन्होंने, मैंने सब पहना दिया इनको कपड़े। ये भी खोल के दिखाएं, टिड्डे का मुझे लग रहा है ग्रीन कलर है, ये मैरून है, कितने प्यारे कलर हैं। ओपन शर्ट्स हैं ये, वो में नजर आ रही है, कहाँ से शॉपिंग किया जरा मुझे बताएं, मैं भी। अच्छा नीचे ये भी है, वाह वाह, ये किसका पहले ये बताएं, टिड्डे का लग रहा है मन पर। टिड्डे की शर्ट बड़ी है, शर्ट बहुत बड़ी है उसको, बहुत अच्छी लगती है उसको, पता है लॉन्ग शर्ट्स कितनी अच्छे, ओवर साइज टी शर्ट भी पहने उसको, कितना क्यूट लगता है। माना इनमें बटन ही नहीं है, स्टाइल चेक करें ऊपर बटन ही नहीं है, और कितने क्यूट लग रहे हैं माशाल्लाह। माना ये किधर से लिया मुझे बताना प्लीज। हाँ ये सिनान की है, ये कलर कितना प्यारा है, वाह। हाँ ये सिनान की, अब बांध के दिखाएं। माना बांध के इतना लाइट कलर क्यों लाए हैं, बच्चे गंदे कर रहे थे पता है। या टी शर्ट ना तीनों के नीचे ब्लैक ला दें मुझे, नई वाली लेकर आए, पुरानी नहीं मैं कोई भी बनाऊंगी। ओके जी माशाल्लाह माशाल्लाह, इस दफ़ा तो बच्चों की मोजे लगने वाले हैं, कितने क्यूट स्टाइल्स आए हैं। ओपन टी शर्ट हैं और साथ इस तरह के पजामे हैं, वो सिनान, अफान, सिनान और अबान। माना सिनान का पजामा मुझे माना ये बहुत छोटा है, ये तो नहीं आना सिनान को, ना चेंज करवाएं अभी से, ये बहुत, ये देखें बच्चों को ऊपर भी नहीं चढ़ने, क्या हो गया, ये सारे सिनान को आएंगे, अफान को आएंगे, ये आएगा सिनान को, और अबान को इसे बड़ा लेकर आए, ये बा सिनान का साइज बड़ा कर लें इनको। मानी इनके साथ जीन्स के निकर्स भी बना सकती हूँ, अभी आते हैं ना इनको साइजेस चेक करवा दें, और ये मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं कि ये चेक करें। सो के उठ गया अफान, कपड़े दिखाओ अपने, ये देखें मेरा सबसे गुड बेबी है, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लेता है हमारे साथ हर चीज में, और ये मेरे जो बड़े हैं ये बकरों के पीछे लगे हुए हैं बस। ये बाबा तार के आपको पहनाते हैं, ये भी कपड़े देखो अपने, ये वाले प्यारे हैं, जरा आके देखो, वाओ बोल दो वाओ। अफान को बड़े अट्रैक्ट करती हैं सारी चीजें, अफान के लिए सरप्राइज, आओ देखो तो सही तोना है हमारे घर। फन कौन है? मामा केला खा गया, केला खा गया, छिलके भी खा गया, कोई बात नहीं केला हम बनाना खिला रहे हैं। फन कौन है? जूता पहन के जो पार्ट देख के आओ, अफान कौन, हाथ लगा के आओ, पारी करके आओ बकरे को, नहीं कुछ कहता मान, आप उसे साथ लेके जाओ। आई विश यू आई, हाय हाय हाय, नहीं नहीं वो कुछ नहीं, क्या कहला बकला, क्या कहला है बक्के, ऐसे बोलते हैं आप। ऐसे मैंने कुछ ऑर्डर किया था, हम बाहर ही खड़े थे तो मेरा पार्सल आया, मैं चेक करती हूँ इसके अंदर क्या है। ओके जी फाइनली, जिस क्रीम की इतनी ज़्यादा हाइप थी और मुझे इतना ज़्यादा मैसेजेस आए हुए थे कि आप इसका रिव्यू कर दें, तो ना पहले ये जराज पे आउट ऑफ स्टॉक थी बड़े दिनों से, तो कल मुझे नज़र आई है, मैंने ऑर्डर कर दिया और सुबह उन्होंने भेज दिया, मतलब इतने फास्ट है। मैंने ये खोलने मेरा हाथ फंस गया, मैंने ये निकाल दें, इतने फास्ट हैं ये लोग, आई मेरा हाथ फंस गया। ये फाइनली द पॉन्ड्स इज हेयर, चलें जब इसका रिव्यू होगा। सुपर लाइट जेल, नॉन स्टिकी, फ्रेश फील, हाइड्रेटेड ड्यू स्किन, हाइलूरोनिक एसिड प्लस विटामिन ई के साथ है। पैकेजिंग चेक करते हैं इसकी, पैकेजिंग इज सो क्यूट, ओ वाओ, पैकेजिंग इज टू प्यारी यार, सुपर लाइट जेल, नॉन स्टिकी, फ्रेश फील,
हाइलुरोनिक एसिड के साथ है। मैं अब इसको यूज़ करके ना फिर आपको बताती हूँ। ओके जी, बच्चों के साथ साथ ईद की तैयारियाँ चल रही हैं। मैंने ना सारा सोफ़ा की चादरें छोटी ईद पर चेंज की थी, तो अब बड़ी ईद तक आराम से हमारा गुजर गया। वो चेंज कर दिए रेड वाली, अब ये उतारे हैं, और ये ग्रीन वाली, ये केल लिन की है। ये वाला देखें आप, जर्सी स्टफ़ है। अभी तीनों फैला कर बिछा कर दिखाती हूँ आपको। तो आराम से मेरे तो 2-3 माह आराम से गुजर जाते हैं, फिर इनको चेंज करके हम रेड वापस बिछा लेंगे। मैं केल लिन का लिंक लगा दूँगी, अगर आप लोगों ने लेना हुआ तो ले लेना। इस तरह से ये ना बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, मतलब जर्सी है तो अच्छा खासा सेट हो जाता है, इन पर फिक्स हो जाता है। मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, मेरी तरफ से टोटली रिकमेंडेड है, आप लोग बाय कर सकते हो। हमारे बकरे को पता नहीं क्या हो गया, गुस्सा करी जा रहा है हमें, इतना गुस्सा कर रहा है, इतना बोल रहा है, इतना बोल रहा है। बेबी क्या चाहिए आपको? पता नहीं रात से आया, मुसलसल बोलता है, चुप ही नहीं करता। इतनी देर बातें कर रही हूँ, बैठ गया बंद, शायद उसने बैठना हो। कुछ खा रहा है नीचे से, क्या खा रहा है? अब घास ही पड़ी हुई है उसकी, पता नहीं क्यों आवाज़ आ रहा है, बहुत ज़्यादा बोल रहा है। इतना क्यूट हुआ माशाल्लाह। बेबे बानी वो ना तोते कबूतर का खाना खा रहा है, खा सकते हैं वो? बानी वो कबूतर का खाना खा रहा है, वही होता है। अच्छा तो उसे चलो खाने दो, वो हमारे कबूतर का और तोतों का खाना खा रहा है, कितना क्यूट लग रहा है ये कबूतर का। अच्छा जी, सुबह से सारे काम करके अब फारिग हुई, और याद है कि गर्म पानी पीना था, वीडियो रात की एडिट नहीं हुई थी, फटाफट वो करके पहले लगाई और अब पानी पीने लगी हूँ। कल वाली वीडियो में ना मैंने ये अपने फेस मसाज के लिए, ये सिलिकॉन कप्स हैं, हिजामा वाले स्टोर से आपको आराम से मिल जाएंगे, स्किन के लिए बड़े अच्छे हैं। मैंने वीडियो चेकआउट कर लेना, ये मैंने अभी वॉश किए थे। और पानी पीने के बाद मैं अपना फेस वॉश करने लगी हूँ अच्छे से, ठीक है। और मैं जो रोज़ वाटर यूज़ करती हूँ ना, वो ये इसका लाइफस्टाइल का, ये बहुत ही अच्छा है। ये मैंने कारफोर से लिया था, लेकिन इसका बहुत अच्छा है। और ये जो मैंने खुद का फेस वॉश बनाया हुआ, आप लोग भी ये ट्राई आउट करो। और ये पानी पीना इस टू ज़रूरी। सच इसमें लीमू डालना नहीं आपने भूलना, लीमू वेट लॉस में फैट भरने के लिए बहुत अच्छा है। ये ज़्यादा है तो मैं आधा डाल रही हूँ। ओ भाई, अच्छा मैंने पानी पी लिया। अब आप देखो ये फेस वॉश आपने यूज़ कैसे करना है। सिंपल इसका एक लेके ना, हथेली पे भी ले सकते हो, थोड़ा सा रोज़ वाटर ऐड करना है, और फेस वॉश की जगह इसके साथ सुबह सुबह ना और शाम में अपने अच्छे से मुंह रब कर लेना है। और इसमें कभी कभी ऑयल्स भी ऐड कर सकते हो, मैं ओलिव ऑयल ऐड कर रही हूँ, जो स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। कुछ ड्रॉप्स इसके मैंने ऐड कर लिए हैं। अब इसकी पेस्ट बना के ना अच्छे से आप लोगों ने मसाज करना है स्किन का। सिरान आप क्या करें, दिखाओ दिखाओ। मैंने अपना फेस क्लींस कर लिया, ये देखें ऐसे मुँह पर स्टक भी आ जाता है, ये देखा ऐसे दबा के लगाओ इसका ना, ऐसे मुंह पे मसाज करते हैं, टोटो 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 ऑयल कोई चीज़ लगा के, ऐसे नहीं आ रहा, छोड़ो मेरे भी धोए गंदे हो जाएंगे। सोदा हमने कल के लिए थोड़ा सा मंगवाया, मैंने स्वीट डिश सोची है कोई बना लेते हैं, और शायद रात में ही बना के रखूँ क्योंकि मॉर्निंग में नहीं बननी। पाइनएप्पल आ गया, क्रीम, बाकी चीज़ें किधर हैं? ये चीज़ें पूरी नहीं है बच्चों। रुबीना ये पकड़वा लो, वो टोकरी में डालो। अच्छा नाश्ता भी हमने बाहर से मंगवा लिया क्योंकि कल बिरयानी बनाई थी, तो सालन सालन कुछ भी नहीं बनाया। और बकरा हमारा रोला डाल ली जा रहा है, इतने ज़्यादा चने ये ले आए हैं, मैं सालन निकाल लूँ। बच्चों का मेरा फेवरेट है नान चने, और माँ को इनकी वजह से मैं बस आधा नान खाऊंगी। ओके नान ये ले, मिल के ले लें, ठंडा होता है, पकड़ते जाओ नान। ये ले अपना, बाबा ये इसको आधा करते ज़रा, चलो पकड़ लो। अफान वो क्यों चीज़ें खा रहा है, उसका नान किधर है? अफान लुक एट मी बेबे, चीज़ें देखो कितनी पसंद है, और खाना नहीं पसंद। चलें जी मैं भी खा ही लेती हूँ थोड़े से, क्या कर सकते। कसम से गाइस मेरा रोने को दिल कर रहा है, सारी सफाइयाँ करके सारे कामों से फारिग होकर मैं वीडियो शूट करने लगी थी, ये पूरे घर की हालत देखें। अल्लाह ये ना पता नहीं वीडियो में इतना कम क्यों नज़र आ रहा है, सीरियसली इतना ज़्यादा कचरा है ना, मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ। लिटरली इतनी ज़्यादा सफाई की, ये देखो ये देखो ये यहाँ पर पट्टे, यहाँ पर बकरों के ना, मैं क्या करूँ, मुझे सारी सफाई पहले करनी पड़ेगी, सारा टाइम वेस्ट मेरा। हेलो प्यूटी लेडीज़, मेरी तो मेहंदी लग गई है, मैंने ये वाला स्टिकर आज ट्राई आउट किया, ये इतना बुरा नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है ना, प्रिटी लग रहा है यार, और कलर भी कितना ज़्यादा आया मैंने, और मेहंदी हालांकि ख़राब थी। गुड मॉर्निंग, ईद मुबारक। मनी कितनी गर्मी है भाई, अल्लाह हाफिज़। फान फान बाय, मैं कुंडल करती हूँ बाय। बच्चे जुमा पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा जी, तो मीठा मैंने रेडी कर लिया, इसको जल्दी जल्दी इसे फ्रीज़र में रखते हैं क्योंकि माँ ने ना के खाने, बच्चे अभी गए हैं ईद की नमाज़ पढ़ने, और बस दही भले थोड़ा सा बना रही हूँ नमकीन में, नहीं तो मेरे बंदे ने मेरे खाने होने ना कोई नहीं, लेकिन मुझे बातें बहुत सुनाएंगे कि कुछ बनाया नहीं तुमने। लड़कों भी सही मुझे सुबह सुबह तैयार होके किचन में, इनको सारे ज़माने की गेमें खेलने आती है, मेरे बच्चे को बस नहीं आता था खाना नहीं आता। बैठे मैं आराम से, बाना आप इतने बड़े हो गए हो, 2 मिनट में प्लेटें ख़त्म हो जाएँ आप दोनों की,
सिनान शाबाश है। और सिनान साहब का सुबह सुबह इधर दिन रोने निकले जा रहे हैं। इधर आओ, पहले मस्जिद में बाबा घूम गया, इधर आओ। अच्छा रोना नहीं है, रोते नहीं है, चलो गुड बेबी। और अब अफान ने इसके ऊपर दही भले गिरा दिए। और ये छुन्ना काका लाडला, ये हमारे ये फान, आपको सुबह सुबह बहुत रोने आ रहे हैं। स्वीट डिश लाऊं, मीठा लाऊं? बस एंड कर देते हैं। आप लोगों को मेरी एफर्ट्स अच्छी लगी हो। मैं लाहौर से बिलोंग करती हूँ, मेरा होम बेस मेकअप स्टूडियो है। अगर आप लोग मेरे से प्रेटी प्रेटी मेकअप करवाना चाहते हो तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो लाहौर में जोहो टाउन के बिल्कुल पास एम्पोरियम के बिल्कुल पास मेरा लोकेशन है, ठीक है। और मेरा होम बेस मेकअप स्टूडियो है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा, मेरे व्लॉग चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा डेली अनएडिटेड लाइफ, सादा तरीन ज़िंदगी हाउसवाइफ्स की जैसे होती है, और कैसे मैं स्ट्रगल कर रही हूँ यूट्यूब को लेकर, सारा कुछ मिलेगा आप लोगों को मेरे व्लॉग चैनल पर। मैं कहाँ कहाँ लफेंट्रियाँ मारती रहती हूँ, मुझे एक्चुअली ट्रैवल करने का बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन जेब में पैसे नहीं और 3 अदद बच्चे और बच्चों को छोड़ के कहीं जा नहीं सकती। लेकिन मेरा दिल करता है मेरा बस चले तो मैं घर से निकल जाऊँ और मैं अपने मरते दम तक दुनिया घूमती रहूँ। मुझे वर्ल्ड टूर का बहुत क्रेज़ वाला शौक है। खैर अल्लाह ताला इंशाल्लाह एक दिन वो भी पूरा कर देगा। सबसे पहले तो अल्लाह ताला अपने घर बुला ले मुझे भी और आप सबको, मेरे सब देखने वालों को, ठीक है। ईद कैसी जा रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक बड़ी ईद वैसे बोरिंग की होती है, हम औरतों के लिए स्पेशल ज़्यादा ही बोरिंग होती है, हम लड़कियों के लिए, वाई औरतें, हम लड़कियाँ, मेरी बातें बहुत ज़्यादा, मैं बहुत बोलती हूँ, मैं बहुत पटर पटर करती हूँ। अल्लाह हाफिज, बाय गाइस। इधर आओ, मैं जब भी बाय गाइस बोलती हूँ ना, अफान हमेशा साथ बोलता है, बाय गाइस। इधर आए, थैंक यू। कब काम करते हैं घर के सारे,